चंडीगढ़ में आज हरियाणा मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में किसानों, कच्चे कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों को लेकर सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों की नौकरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में लगभग 1,20,000 कर्मचारी हैं और इन सभी कर्मियों की नौकरी को सुरक्षित करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार कच्चे कर्मचारियों के हित में लगातार काम कर रही है। पहले की जो सरकारें हैं वो अनुबंध कर्मचारियों को लॉलीपॉप देती रही, लेकिन बीजेपी सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक्ट लेकर आई है। सरकार ने 2014 में ही कर्मचारियों के लिए एक्ट पास किया था, जिससे उनकी नौकरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तो आज ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है, हरियाणा कैबिनेट की आज ये महत्वपूर्ण बैठक हुई और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। और इस बैठक में किसान, जो कच्चे कर्मचारी हैं वो, और मीडिया कर्मियों के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। खास तौर से जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, उन्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ पिछली सरकारों पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि जो पिछली सरकारें हैं, पिछली सरकार केवल और केवल कच्चे जो कर्मचारी हैं उनको लॉलीपॉप वो देते रहे, लेकिन हरियाणा की जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने कच्चे कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और आज की इस कैबिनेट बैठक में भी कई महत्वपूर्ण जो कदम है वो उठाए गए हैं, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो कच्चे कर्मचारियों के हित में हैं। किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और साफ तौर पर, चाहे उनके बोनस को लेकर हो, चाहे फिर MSP को लेकर हो, तो क्योंकि बारिश भी हुई थी, बारिश की वजह से कई फसलें जो है वो खराब हो गई थी, तो ऐसे में किसानों के हित में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया और उन्होंने बताया कि आज की बैठक का महत्व क्या रहा, आज की कैबिनेट बैठक का सार क्या निकला और आज की कैबिनेट बैठक किन मायनों में महत्वपूर्ण रही और इस कैबिनेट बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा की गई, किन किन विषयों, किन किन वर्गों के हित में फैसला लिया गया। क्योंकि देखिए, खास तौर से हरियाणा की कैबिनेट बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है क्योंकि हाल ही में जो निर्णय के अंदर आया है इनको उसमें सुविधा देने का काम हमारी आज कैबिनेट के इस फैसले के अंदर किया गया है। 50,000 प्रति माह से अधिक, 50,000 प्रति माह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के पात्र नहीं होंगे, हमने उसको इससे बाहर रखा है। आउटसोर्स पार्ट वन और पार्ट टू के तहत कार्यरत तथा विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त किए गए अनुबंधित कर्मचारियों पर यह फैसला लागू होगा। केंद्रीय प्रायोजित स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। इसके अंदर 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, जो भी कर्मचारी 5 साल हो गए या 5 साल से ज्यादा हो गए, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त सम्मान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 5% अधिक दिया जाएगा। 5 साल की इसके अंदर हमने वो रखी है कि 15 अगस्त 2024 तक जो भी कर्मचारी उसने 5 साल पूरे कर लिए हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। ऐसे जो 5 साल हुए हैं उनको, जैसे मैंने कहा है कि उसका न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक मिलेगा। जिन्हें 8 साल या अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 10% अधिक मिलेगा। जिन्हें 10 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक मिलेगा। ये आज कैबिनेट ने सर्वसम्मति से, जिसका मैंने जिक्र किया है कि लगभग 1,20,000 हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ये लाभ मिलेगा। और
क्योंकि जब हमने गेस्ट टीचर्स को भी इस पॉलिसी के अंदर हम लेकर के आए थे उसके अंदर कुछ चीजें छूटी थी। हाँ, वो एक्ट लेकर के आए थे। पहली बार है कि पहले तो पूर्व की सरकारें तो क्योंकि लॉलीपॉप देती थी और लॉलीपॉप इस प्रकार का देती थी, एक पर्ची पे लिख करके देते थे, वो कोर्ट में जाकर के चैलेंज हो जाता था। परंतु हम एक्ट के माध्यम से लेकर के आए हैं। हमने जो गेस्ट टीचर थे वो भी एक्ट के माध्यम से लेकर के आए हैं। इसके अंदर कुछ सुविधाएं उनको नहीं मिल रही थी, उसके अंदर उस एक्ट में नहीं थी। आज हमने कैबिनेट के अंदर ये भी निर्णय किया है कि उपरोक्त सुविधाओं और लाभों में से जो लाभ गेस्ट टीचर एक्ट में नहीं मिलते वे सभी लाभ भी गेस्ट टीचर को दिए जाएंगे, उनको भी हमने इसके अंदर रखा है, उनको भी लाभ ये हम दे रहे हैं। राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए कटिबद्ध है, ये हमारी सरकार लगातार, मैं पिछले जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर ये बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे हाथों में दी है, आदरणीय मनोहर लाल जी ने दी है, तब से हम लेकर के उसको चिंता कर रहे थे। आज उसका लाभ हमारे कर्मचारियों को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रेगुलेशन की ये पॉलिसी थी इसके निर्माण तो पहले भी इसका कार्य पहले भी 1993 में पॉलिसी आई, 1996 में भी आई, 2003 में भी ये लेकर के आए और 2014 में भी हमारी पिछली सरकार ने ये निर्णय लिए हैं, परंतु वो कभी भी सिरे नहीं चढ़े। अगर आप लोग देखेंगे हमने 2014 में जो हम एक्ट लेकर के आए, जो पॉलिसी लेकर के आए, उस पॉलिसी के तहत आज भी जो 1993 में, 1996 में और 2003 में ये पूर्व की सरकारें, कांग्रेस की सरकार जो ये धम बोलते हैं, ये बात बोलते हैं कि हम कर्मचारियों के हित में फैसले लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं अभी, इनके समय के अंदर ये रेगुलेशन की जो पॉलिसी थी, उन सेवाएं देने की पॉलिसी थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लोग धक्के खा रहे हैं, वो भुगत रहे हैं उस बात को, परंतु हम आज इसको एक्ट लेकर के आए हैं ताकि उनको दिक्कत ना आए, उनको सुरक्षित किया जाए, उनकी सर्विस के अंदर दिक्कत ना आए, उसको लेकर के हमने चाहे गेस्ट टीचर की थी उसको भी हम एक्ट लेकर के आए थे और आज भी हम एक्ट के माध्यम से ये हमने निर्णय किया है। हमारी सरकार ये पहली बार है कि पॉलिसी की बजाय कानून लेकर के आई है ताकि संवैधानिक बेस उसका रहे, ये आज हमने इसके अंदर निर्णय किया है। बाकी और भी कई निर्णय किए हैं, वो निर्णय आपको चाहे बीसी ए की बात है और बीसी बी की बात है, उसके अंदर पंचायत